ओर से आज सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज नागपुर शहर के संविधान चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में यह आंदोलन किया गया। कांग्रेस की ओर से आज जो है नागपुर शहर के संविधान चौक पर डरो मत आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन क्या है, किस लिए है, जानते हैं जो नए चलिए उनसे आज आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता उपस्थित है, क्या कारण है इस आंदोलन का? देखिए मैडम, देश से लोकशाही खत्म हो गई है, अब हुकुमशाही चल रही है। एक ऐसा मामला जो 2019 का था और वो भी साउथ में या किसी और जगह पर उसकी FIR उसका केस दर्ज होता है गुजरात में, सूरत में, बिना पूरी तरीके से ट्रायल किए हुए आप किसी को, पहले तो मैं बोलूँगी किसी को आप सज़ा सुनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आज जुडिशियल कोर्ट केंद्र सरकार के पैर की जूती बनी हुई है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध हो चुका है। राहुल जी एक सांसद हैं, देश के नेता हैं वो। आप आज एक देश का सांसद भी अपनी बात नहीं रख सकता। नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा सरकार जिस तरीके से बैकफुट पे है और कपकपा रही है राहुल जी से, उनको डर था कि फिर से वो अगले दिन पार्लियामेंट में अडानी पे, नीरव मोदी पे सवाल करेंगे कि जहां भी नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं उसके ही एक दो घंटे बाद मोदी जी के साथ नीरव मोदी, अडानी, अंबानी ये सब नज़र आते हैं, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाता है जिनको जिस चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दोस्त है नरेंद्र मोदी जी के इसलिए उनको दे दिया जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी मैडम कि देश बेचकर खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई। तो ये जो आंदोलन है हम देख पा रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ भी उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि आज के आंदोलन की उनकी क्या रणनीति है। तो कांग्रेस की ओर से आज पूरे देश भर में राहुल गांधी इनकी सदस्यता रद्द होने के बाद जो है आंदोलन किया जा रहा है, सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। नागपुर शहर में भी ये आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है प्रदेशाध्यक्ष है नाना पटोले जी, उनसे हम जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। आपने देखा होगा कि गांधी जी नाम में ही, गांधी नाम में ही ताकत है, और आज हमारा सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर पूरे देश में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और गांधी विचार ने हमेशा देश को दिया है, गांधी विचार ने देश को लूटा नहीं है, लेकिन बीजेपी के रूप में, नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में आज जो देश में सत्ता आई है उन्हें देश को लूटने के सिवा और दूसरा कुछ किया नहीं। नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को जिस तरह से देश की जनता का पैसा लूटकर वो भाग गए, भगोड़े हैं, उनके बारे में उनको चोर बोला, तो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी जी का सदस्यत्व लोकसभा का रद्द कर दिया है। उसके विरोध में आंदोलन है, ये हुकुमशाही व्यवस्था के विरोध का आंदोलन है, और हमारी जीत इसमें होगी। तो क्या लगता है इस आंदोलन का कुछ असर जो है मोदी सरकार पर या नरेंद्र मोदी पर हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि गांधी विचार ये सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस विचार के आधार पर हम जब जा रहे हैं तो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। ग्रामीण और शहरी भाग में लोगों में तीव्रता है, नाराजी है, और आप देखो कि कोई जीत के आया हुआ सदस्य हो, फिर वो लोकसभा हो, विधानसभा, नगर सेवक हो, जिला परिषद सदस्य हो, अगर उसको इस ढंग से अपने सभागृह से निकाला जाता है तो ये कोई लोकशाही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी ने जो लोकशाही हमारे को दी थी वो सभी को समान अधिकार, सभी को बोलने का अवसर, ये हमारे संविधान में पिछले हफ्ते में आपने देखा, लोकसभा बंद, किसी को बोलने की कोशिश अगर करता है तो उसका माइक बंद, लोकसभा का टोटल ये बंद, तो ये तो अनार्की है। इस ढंग से देश को चलाया नहीं जा सकता। इस देश में हर जात का, हर धर्म का, हर भाषा का, हर प्रांत का आदमी रहता है, और इन सबको अगर एक जगह रखना है तो वो हमारे देश का संविधान और लोकशाही रख सकती है, और संविधान और लोकशाही अब इस माध्यम से अगर आप देख रहे हो तो धोखे में आ चुकी है। इसका तीव्र निषेध करने के लिए आंदोलन हम लोगों आज चल रहा है।
कांग्रेस की ओर से जो है तीव्र निषेध किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में जो है देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ही दिन पहले एक वक्तव्य किया था कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो खबरों में बने रहने के लिए बोलते हैं, ये कहाँ तक इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं? ऐसा है, जिन लोगों ने चौथा स्तंभ ही अपने कब्जे में रखा है वो लोगों में ही ये सोच हो सकती है, क्योंकि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के इशू पे जुमले बोलना, ये काम बीजेपी करती है। राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जब राहुल गांधी जी इस तरह का वक्तव्य करते हैं तो उनको तकलीफ होती है, और इसलिए इस तरह की गुमराह करने की बात बीजेपी की तरफ से आना स्वाभाविक है। तो कांग्रेस द्वारा जो है सच्चाई की बात होती है, बीजेपी जो है गुमराह करती है जनता को, वैसा काम जो है कांग्रेस की ओर से नहीं किया जाता, ऐसा नाना पटोले इनके द्वारा कहा गया है, और उसी के लिए आज जो है ये सत्याग्रह आंदोलन जो है पूरे देश भर में किया जा रहा है, और नागपुर शहर में भी इस आंदोलन का आगाज हो चुका है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।